Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Hello guys, welcome to my channel. My name is Pradeep Singh Rajput and आज हम क्या करें? आर्यन खान जो बेचारे जिन्हें इस उम्र में अपनी फिल्म के प्रमोशन का के लिए मतलब वो फीता काटना चाहिए था, वो आज कहीं और फीता काट रहे हैं। वैसे आर्यन खान को देख के सबके मन में एक बात तो आती है यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो। हाँ, यही वाली बात मेरे मन में भी आती है। आर्यन खान को लेकर शाहरुख खान ने अपनी सारी की सारी शूटिंग रोक दी है और शाहरुख खान कहना क्या चाहते हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान को बेल मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने पहले कोर्ट में बेल अप्लाई करी, बेल के लिए अप्लाई करा, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हमारे इसके लिए स्पेशल सेशन कोर्ट होते हैं, उसके अंदर इसकी बेल मिलेगी, हम इसकी बेल के लिए अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। ऐसे करके उनकी 2-3 डेट जा चुकी है और जैसे आपको पता ही है हमारे देश में क्या मिलता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोड इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन अच्छा है कम से कम अभी तारीख बढ़ रही है, अगर इंसाफ मिल गया तो बेचारे। लेकिन अब तक आर्यन खान ने ना हर चीज में मना कर दिया है, भाई मेरे पास, मैं ड्रग नहीं कर रहा था, मेरे ब्लड टेस्ट कर लो, मतलब और ये मैं तो ड्रग्स वगैरह कर ही नहीं रहा था। और बाकी बहुत सारे आर्यन खान के सपोर्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ये देखो, और ये सब ये कह रहे हैं कि जिसके पास 10 ग्राम ड्रग्स मिला है उसे तो तुमने ऐसे पकड़ लिया है और दबोच लिया है, बिल्कुल उसे जान ही नहीं दे रहे बेचारे को। और जो इतने बड़े अडानी वगैरह है उनके तुमने ट्रक के ट्रक पकड़ के वो ऐसे जिंदा घूम रहे हैं। भाई कार्रवाई कर रहे हैं ना, कार्रवाई करके ही तो करेंगे सब, ऐसे ही थोड़ी दबोच लेंगे। इसीलिए तो अब हर बार कोई ना कोई आ जाता था एनसीबी या फिर पुलिस वालों को रोकने के लिए या फिर हाई कमांड से फोन वगैरह करवा देता था। इसके लिए एनसीबी ने इस बारी चाल खेल दी, एक नंबर वो एक स्टेप आगे चले गए उनसे। उन्होंने अपने फोन ही स्विच ऑफ कर दिए ताकि जैसे ही वो किसी को पकड़ने जाए, पहले किसी के फोन आ जाए तो उसे अवॉइड करने के लिए फोन स्विच ऑफ कर दिए, ताकि कोई भी ऊपर से किसी का फोन आए उन तक वो रीच ही ना जाए। उन्होंने सीधा आर्यन खान को धरा और ले जाके जिप्सी, काली जिप्सी के अंदर और चका और बस जेल में। उसके बाद से तो अभी तक बेचारे की वही चल रही है, क्या आगे से आगे हियरिंग यार। तुम भी क्या, मैं पिटाई थोड़ी कह रहा था यार मैं। भाई पुलिस वाले कुछ नहीं कहते और उसने तो कुछ किया भी नहीं है, उसने कुछ किया हो जब तो उसे कुछ कहेंगे। साले मैंने कुछ पूछा कैडा मारते हैं पुलिस वाले, फिल्म में नहीं देखा क्या तुमने? थर्ड डिग्री ऐसी नहीं देखते हैं वो। जाना है मुझे अपने घर जाना है। लेकिन लास्ट में अपने को फिर भी आर्यन खान से कोई हेट नहीं है, मतलब भाई सब अपने घर पे रहो यार, क्यों अब जब वो कह रहा है कि मैं सुधर जाऊंगा, क्या अब तक वो सुधर ही जाए? तो सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए लाइफ में, किसी को भी मतलब किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए अब तो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और कमेंट तो भर भर के और लाइक भी भर भर के, और जो लाल वाला बटन है ना वो सब्सक्राइब वाला उसे दबा दो, क्योंकि आगे भी वीडियो आती रहेंगी ना। फर्स्ट रोस्ट वीडियो था तो आगे और भी धमाकेदार रोस्ट वीडियो आते रहेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब प्लीज। ओकवर्ड हो गया, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू गाइस। लेकिन यार एक बात है, इनकी और अपनी जिंदगी में है ना बहुत डिफरेंस है। तो जल में है मुन्ना भैया के, जिसको चावल ठोक दो मार्च साहब की मार लो, हैं उधर हाथ बढ़ा है धल लौंडिया, ये सेक्सी ओपन जीप।